हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे टेस्ट 5 जो रीजनिंग का सेक्शन है उसके सॉल्यूशन को। जूनियर असिस्टेंट का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट 04 तक हो चुका है आपका। टेस्ट 05 देखते हैं, जो 61 से क्वेश्चन शुरू है आपका टेस्ट में। कुछ क्वेश्चन आपके जो PDF के फॉर्म में है उनमें सॉल्यूशन दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन जिसके नहीं दिए गए मैं आपको वीडियो के फॉर्म में उपलब्ध करा रहा हूँ। ऐसे ही आपके सभी टेस्ट जो टेस्ट जितने हैं उनमें होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 61 उसमें देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही वेन डायग्राम का 4 में भी था और सेम हूबहू उसी पैटर्न पे थोड़ा सा घुमा के अलग से 61 इसमें भी वैसे ही है सेम। इसमें बोला है 500 लोगों की एक शहर में 285 हिंदू पढ़ते हैं और 212 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 127 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 20 लोग हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 29 हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 35 टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 50 कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, फिर कितने केवल एक पेपर पढ़ते हैं। थोड़ा लेंदी बना दिया इस क्वेश्चन को, पिछले वाला थोड़ा आसान था जो पेपर में था टेस्ट 04 में, और ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इसे करने का एक तरीका है कि आप वेन डायग्राम बना लो। क्वेश्चन नंबर 61, तीन पेपर हैं, तीनों पेपर का बना लो। एक आपका हो जाएगा द हिंदू, TH से हो गया द हिंदू, उसके बाद से एक हो गया इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। अगला कौन सा आपका है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया TOI। ठीक, अब इसमें जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है कि पहले जो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन है उसको भर लेते हैं। बोला 20 लोग हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरसेक्शन ये है, यहाँ 20 रख दो। अगला है 29 हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 29 हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो 29 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 35 टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कितने लोग पढ़ते हैं, 35 लोग। तीनों को पढ़ने वाली की संख्या मान लो x, इसमें दिया नहीं है तो। ठीक, अब आपको बताना कि केवल द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं। टोटल तो ये सर्किल की टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं, 285। मतलब 285 में 20 ये, 29 ये और x ये घटा दोगे तो बचेगा कितना, 20 और 29 49। तो 200 टोटल ये है 285, 285 में से आपको घटाना कितना है, 49 घटा दो, क्योंकि 20 प्लस 29 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 236। और वो 236 माइनस एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी पता नहीं है। उसी हिसाब से 29 और 35 इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग हैं, 212 लोग। 212 में से इंडियन एक्सप्रेस के 212 में से 29 और 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 148 माइनस एक्स, इन दोनों का प्लस करके टोटल 212 में से माइनस कर दो तो 148 और ये वाला बीच वाला सब में है तो माइनस एक्स। उसी तरह 20 और 35 इसमें कितने लोग हैं, 127। ठीक, 127 माइनस 127 माइनस 20 और 35 तो कितना हो जाएगा, 72 माइनस और ये वाला एक्स, 72x। मतलब केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 72 माइनस एक्स है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल आपको पता है कि 50 लोग, 500 लोग हैं। उसने बोल दिया कि 500 लोग हैं किसी कस्बे में, 500 में से भी 50 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो इस 50 लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो आपको क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है, 450 का है, ये याद रखना है। ठीक है, 450 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे कंपेयर करना है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, जैसे 236 236 माइनस एक्स प्लस 29 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 35 प्लस 148 माइनस एक्स प्लस 72 माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, पूरी वैल्यू कितने में डिस्ट्रीब्यूट है, 450 में। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो एक प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, जब यहां से आप निकालोगे तो x की वैल्यू 45 आएगी, और x की वैल्यू जैसे ही 45 आ जाएगी तो केवल एक पेपर पढ़ने वाले का पूछा है आपसे। ठीक, तो ये वाला वैल्यू सिंपल, ये जो इतना दिख रहा है 236 माइनस एक्स 148 माइनस एक्स, तो उसको निकाल लेंगे, 236 एक्स माइनस एक्स मतलब 45, एक्स की वैल्यू 45 आ जाएगी, तो यहाँ कितनी बचेगी, 191। वैसे 148 माइनस 45 करेंगे तो ये कितनी होगी, 103, और 72 माइनस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। सबको प्लस कर दोगे
191, 103, 27, तो ये होगा आपका 321। मतलब 321 लोग जो होंगे आपके सिंगल एक पेपर पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो 191 ये हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी 230x माइनस 191, वैसे 148 की वैल्यू 103 और 72 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 27। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 321 अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका डाइस से है और ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आप जो डाइस, जो लोग यूट्यूब पे मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है डाइस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि डाइस कितने प्रकार के होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, उसमें से ही एक ये क्वेश्चन है कि एक सिंगल डाइस दे दिया गया है और आपसे पूछा गया कि उसके अपोजिट क्या होगा। जैसे एक सिंगल डाइस है 62 में 315, तो पहले तो आपको जब भी सिंगल डाइस हो, तो मैं आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया कि जब भी सिंगल हो तो आपको पहले पहचान करना कि डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में यह होता है कि आपका जो होता है कि पड़ोसी सतहों का जो योग होता है वो सात नहीं होता है। जैसे 5 और 1 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 5 और 3 8 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है। अगर 7 हो जाता है तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाता, तब दिक्कत हो जाती है आपका अपोजिट निकालना, ठीक है। मगर ये आपका जो है स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें 7 नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड डाइस है तो 7 नहीं हो रहा है। तो इसमें आप जानते हो स्टैंडर्ड डाइस का मैंने बताया है कि जो अपोजिट का योग होता है वो 7 होता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के अपोजिट में क्या होगा कि 7 हो जाए 4, ठीक है। वैसे ही आपसे जो पूछा उसका देख ले, पूछा किसका, 3 के ही अपोजिट पूछा था, 3 के अपोजिट में 4 होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला है 63, आसान सा है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट 64 पे पहुंचते हैं, इसमें आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है क्वेश्चन। बोल रहा है कि जापान में पेट और के कैंसर की घटना बहुत अधिक है जबकि आंत कैंसर बहुत कम है, लेकिन जो जापानी हवाई में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब हवाई जो जगह है वहां पे जो लोग रहते हैं उनमें ये उल्टा है, मतलब आंत का कैंसर ज़्यादा है और आपका पेट का कैंसर जो है कम है। यह सब पोषण से संबंधित है। हवाई में जापानी लोगों के आहार जापान में उन लोगों की तुलना में अलग है। निष्कर्ष दिया गया है कि क्या हवाई के समान आहार को जापान में भी प्रचारित किया जाना चाहिए, क्या ऐसा हो कि वहाँ पे सब खान पीन की वजह से ही कैंसर का, ऐसा नहीं है कि खाने पीने के वजह से कैंसर पे इफेक्ट होता है। कई कंडीशन होते हैं आपके एटमोस्फियरिक बायोलॉजिकल कंडीशन के डिपेंड करता है, ना कि खान पान पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए पहला कोई एग्जैक्ट आपका निष्कर्ष नहीं है। सेकंड है, आंत कैंसर पेट के कैंसर की तुलना में कम गंभीर होता है, ऐसा तो बताया नहीं कि कोई कितना सीरियस होता है, कौन सा कैंसर कौन सा नहीं होता। तो ये भी दोनों जो है आपके निष्कर्ष जो है कथन के हिसाब से सही नहीं है, तो आपके दोनों क्या हो जाएंगे, अनुसरण नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 65। बोला उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन में से वैध धारणा है। एक फैक्ट्री कर्मी के 5 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 5 बच्चे नहीं हैं। मतलब पूरे कारखाने में किसी के 5 बच्चे नहीं हैं, सिर्फ एक के हैं। कारखाने के सभी श्रमिकों के प्रत्येक के 5 बच्चे हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला, कारखाने के हर कोई के बच्चे हैं, इसमें बोल दिया साफ साफ कि किसी के बच्चे नहीं हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कारखाने में कुछ श्रमिकों के 5 से अधिक बच्चे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कारखाने में केवल एक श्रमिक के 5 बच्चे हैं, सिर्फ यही सही होगा क्योंकि हूबहू आपका स्टेटमेंट से ये मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें आपका दिया है कथन और कार्यवाही। कथन है, एक विशेष उत्पादन की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का कारण बन गया है। कार्रवाई क्या करना चाहिए अगर किसी चीज़ के उत्पादन में अगर बिक्री नहीं हो रही है? तो बोला, पहला कार्रवाई है कंपनी में प्रतिद्वंदी उत्पादनों का उचित अध्ययन करना चाहिए, उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा है, नहीं, अगर आपका उत्पाद उसी लेवल का है तो उसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि दूसरी कंपनी उस पर कैसे आपका रोल प्ले कर रही है, कि उसके साथ क्या आपका स्कीम निकाल रही है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को उसी दाम पे चला रही है सेम हूबहू। तो आपको ये अध्ययन करना चाहिए कि कंपनी जो अदर कंपनी है, जो आपकी प्रतिद्वंदी है, वो क्या उस प्रोडक्ट पे कर रही है। तो आपका पहला जो है कार्रवाई सही होगा। अगला है 67, टेलीफोन एनालॉजी से है। टेलीफोन रिंग करता है तो आपका उसी से रिलेटेड कौन सा एनालॉजी सही होगा, जैसे दरवाजे पर दस्तक, तो सेम दोनों मिल रहे हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। 68 भी एनालॉजी से है, कभी कभी, दुर्लभ, सेम अर्थ वाले हैं, तो उसी तरह आपसे ऑप्शन बी होगा, अक्सर और आमतौर सेम अर्थ होता है। अगला है 69, कोडिंग डिकोडिंग का, चलिए इसे देख लेते हैं, आसान सा है ये भी। पी ई आर आई एन ए
टी एच, इसे कोड किया गया है क्यू एफ क्यू एच ओ बी एस जी, और पी ओ एल ई को किया गया है क्यू पी के डी। इसमें क्या चल रहा है आपका कि पहले इसमें P से Q, ये 16 पे होता है 17 पे, ये 5 पे, ये 7, ये 5 पे, ये 6 पे, प्लस 1, इसमें भी प्लस 1, ये R से Q, ये 18 से 17 आ गया, मतलब माइनस 1, और ये 9 से 8 आ गया माइनस 1, फिर N से O, ये 14 से 15 आ गया फिर प्लस 1, A से B प्लस 1। अब इसे देख लें तो 20 से 19 आ गया माइनस 1, और 8 से 7 आ गया माइनस 1, मतलब दो प्लस 1 के दो माइनस 1 के ऐसे अल्टरनेट चल रहे हैं। तो भाई आपको करना है, इसमें भी होगा, देखो प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1। तो इसी तरह आपसे कोड पूछा है किसका, एस वाई एन डी आर ओ एम ई का, तो आपको इसी तरह से कोड पहले दोनों में प्लस 1 प्लस 1 होगा, बाद में माइनस 1 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसका अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया हुआ है, 71 पे पढ़ते हैं। चार कथन है, उसके बाद चार निष्कर्ष दिए गए हैं आपके, इसका भी आपका आंसर पीडीएफ में दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा वहां से। 72 पे आते हैं, सीरीज पे, सेवेंटी टू नंबर, आर ई एस टी 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 एफ एस, अगला है एस जी यू 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 वी यू वी एच टी टी आई डब्ल्यू वी वी एक्स जे यू, और अगला आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कैसे है, टी से टी सेम हूबहू है, एस से एस हूबहू है, यू से यू हूबहू है, टी से टी है, वी से वी है, तो इसीलिए यू से यू होगा। एस का टी सेम पिछली पेपर के थे, ई से एफ, आर से एस, प्लस वन वन प्लस वन होता जा रहा है, आपका यही सीरीज चलेगा, तो ऑप्शन होगा यू के वाई डब्ल्यू, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से प्लस वन प्लस वन प्लस वन ये था, ठीक, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनी, एम ई टी, कैमरा, अगला है एनिमल, टी ओ एल ओ एम ई आर ई, और पूछ रहा है अगला सीरीज क्या होगा ऑप्शन में। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे जब कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका कोई अर्थ ना निकले, तो आपको किसी लेटर का देखना है कि पोजीशन इधर उधर हो रहा है क्या। जैसे यहाँ पे एम, एम क्या है, पहले पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ सेकेंड पे आ गया, यहाँ थर्ड पे आ गया, यहाँ फोर्थ पे आ गया, और यहाँ पे फिफ्थ पे आ गया, तो अगले वाले में कहाँ सिक्स पे आना चाहिए, तो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे एम की पोजीशन सिक्स पे हो। जैसे ऑप्शन आपका है पहला ही टी ए एल आई एस एम ए एन, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छठवें नंबर पे एम है, तो ऐसे ही आपका अगला सातवें नंबर पे एम चला जाएगा, ऐसे सीरीज चलती रहती है, तो ऐसे आपको चूज करना होता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला है 74 सीरीज, 31, 29, 24, 22, 17, ठीक, इसमें भी दो सीरीज चल रही है, 31 से 24, 7, 4, 11 माइनस 7 का, फिर यहाँ से 24 से 17, इसमें भी माइनस 7, तो वैसे 29 से 22 माइनस 7, तो यहाँ से 22 से माइनस 7 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी आपका डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है, 74, 75 डाटा सफिशियंसी से, इसमें बोल रहा है कि 10 पोल का कुल वजन क्या होगा यदि प्रत्येक का वजन एक है, मतलब एक पोल का जो वजन है वह जो है प्रत्येक का वजन जो है समान है, सभी पोल जो है 10 पोल हैं, सभी का जो है वजन एक समान है, सभी एक ही भार के हैं। तो आपसे पहला कथन है प्रत्येक पोल के वजन, आपका जो पहला स्टेटमेंट है बोला प्रत्येक पोल के वजन का एक चौथाई, अगर एक पोल का वजन हम W मान लें तो प्रत्येक पोल का वजन का एक चौथाई मतलब 1/4 ऑफ W इक्वल टू 5 किलो है, वेट का एक चौथाई भाग अगर 5 किलो है तो W की वैल्यू पता चल जाएगी 20,
तो मतलब एक पोल का वजन 20 है, तो 10 पोल का वजन कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 मतलब 200 यूनिट में। ऐसे ही पहला हो गया, सेकंड बोल रहा है आपसे, यहाँ से आंसर तो निकल गया। सेकंड से देख लेते हैं क्या है, तीन पोल का कुल वजन, देखो तीन पोल का वजन, एक पोल का वजन W है तो तीन पोल का 3W हो जाएगा। तीन पोल का कुल वजन दो पोल के कुल वजन से 20 ग्राम अधिक है, तीन पोल का जो वजन है वो दो पोल के वजन से 20 ग्राम अधिक है। तो यहाँ से 3 माइनस 2, यहाँ W वाला आएगा तो यहाँ W हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ भी W की वैल्यू 20 आ गई, तो एक पोल की वैल्यू 20 आ गई तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 20, यहाँ भी 200 ग्राम आ रहा है। ठीक, तो 200 यूनिट हर दोनों में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं या तो हम पहले से आंसर दे सकते हैं या तो दूसरे से दे सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा सी, या तो पहला या तो दूसरा पर्याप्त है। अगला है 76। ठीक, ब्लड रिलेशन से, डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं, बोला सुलेखा नंदिनी से कैसे संबंधित है। पहला है आपका स्टेटमेंट, डायग्राम बनाते चलेंगे, सुलेखा का पति नंदिनी की मां, सुलेखा का पति सुलेखा का जो पति है नंदिनी की मां का इकलौता बेटा है। यहां कौन है आपका? नंदिनी है, नंदिनी की मां का इकलौता बेटा हो गया ये। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक, तो आपसे आपसे पूछ रहा है कि इसमें सुलेखा नंदिनी से कैसे संबंधित है, तो सुलेखा नंदिनी से कैसे संबंधित है, तो सुलेखा क्या लगेगी नंदिनी की? ठीक, भाभी लगेगी, तो इससे भी आपका रिलेशन निकल जा रहा है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट पहला है तो ये भी आपका आंसर दे दे रहा है। अगले स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, सेकंड पे, इसे देखते हैं, इसका डायग्राम बना के। सुलेखा का भाई, सुलेखा का जो भाई है, सुलेखा का भाई और नंदिनी का पति चचेरे भाई हैं। इसका भाई और नंदिनी का पति ठीक, ये नंदिनी का पति हो गया, ये दोनों क्या है? चचेरे भाई हैं। तभी भी सुलेखा और नंदिनी में रिलेशन निकल जाएगा, तो मतलब इससे भी और इससे भी, दोनों से आपका रिलेशन निकल जा रहा है। तो इससे क्या होगा आपका, कह सकते हैं या तो हम इससे आंसर दे सकते हैं या तो इससे आंसर दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं या तो पहले से आंसर दे सकते हैं या दूसरे से, सी इसका ऑप्शन सही होगा। अगला है 77। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, फिर डाटा सफिशियंसी से है। चलिए इसे देख लेते हैं। बोला है मदन कमल से बड़ा है, मदन जो है कमल से बड़ा है, दिखा दिए हम, और शरद अरविंद से छोटा है, और शरद जो है वो किससे छोटा है, अरविंद से छोटा है, अरविंद से छोटा है, उनमें से कौन सबसे छोटा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये प्रश्न है। अब आपका कथन पहला है, किससे आपका आंसर आ सकता है, शरद मदन से छोटा है, शरद जो है मदन से छोटा है, मदन से अगर शरद छोटा होगा तो मदन यहाँ होगा, शरद यहाँ होगा, मदन जो है कमल से भी बड़ा है। अब कमल का ये नहीं पता चलेगा कि शरद से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, ये कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ बड़ा और या छोटा पता नहीं चलेगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शरद और मदन में, शरद और मदन का तो रिलेशन दिया है मगर कमल का रिलेशन किसी से नहीं दिया है, इसलिए रिलेशन नहीं बन पाएगा। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में है अरविंद कमल से छोटा है, जो अरविंद है, ये अरविंद जो है ये किससे, शरद से बड़ा है, मगर ये अरविंद कमल से छोटा है, कमल से छोटा है मतलब यहाँ कमल हो जाएगा, और कमल से बड़ा कौन है, मदन है। तो यहाँ देखिए आपका आराम से एक चार्ट बन गया कि मदन सबसे बड़ा हो गया, फिर कमल, फिर अरविंद, फिर शरद। तो आपसे इसमें पूछा सबसे छोटा क्या है, तो शरद यहाँ से आंसर आपका आ गया, मगर पहले वाले से नहीं आया। पहले वाले से क्या हुआ, बोला सिर्फ
कि आपका मदन जो है, शरद जो है मदन से छोटा है, शरद जो है मदन से छोटा है, तो मदन यहाँ हो गया, शरद यहाँ हो गया, और मदन जो है कमल से भी बड़ा है, तो अब शरद और कमल में रिलेशन कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इसलिए यहाँ दिक्कत हो गई, तो पहला हमारा आंसर नहीं दे पा रहा था और सेकंड दे दे रहा है, तो हम कहेंगे सेकंड से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ये भी डाटा सफिशियंसी से है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला देवीपुर, देवीपुर और दुर्गपुर के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या है। पहला कथन है कि रामपुर, रामपुर जो है 20 किलोमीटर दूर है दुर्गपुर से। अगर हम कहें दुर्गपुर से, ठीक, दुर्गापुर से अगर रामपुर 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर भी इसमें बताया नहीं किस डायरेक्शन में, इधर है, उत्तर की तरफ है, पूरब की तरफ, पश्चिम, किसी भी हो सकता है। तो इससे हम पहला तो हो गया कि आपको देवीपुर से दुर्गपुर की दूरी निकालना, तो अभी ये दुर्गपुर से रामपुर की है पहले में। सेकेंड में है रामपुर से देवीपुर, रामपुर से देवीपुर, देवीपुर कितने किलोमीटर पे है, 15 किलोमीटर पे है, ठीक। और आपसे डिस्टेंस पूछा है देवीपुर से दुर्गपुर, ठीक, देवीपुर से दुर्गपुर की डिस्टेंस पूछा है, दुर्गपुर से रामपुर, रामपुर से 20 किलोमीटर पे है दुर्गपुर, रामपुर से ये दुर्गापुर जो है आपका 20 किलोमीटर पे है, और रामपुर से देवीपुर 15 किलोमीटर पे है। अब ये बताया नहीं है कि किधर है, हो सकता है कि रामपुर से ही ये देवीपुर इधर डायरेक्शन में हो और दुर्गपुर इस डायरेक्शन में, हो सकता है इसी बीच में 15 किलोमीटर पे पड़े। दोनों स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर कहाँ पे होगा, इसलिए हम डिस्टेंस बता नहीं सकते। इसलिए हम बोलेंगे कि ना तो पहला और ना ही दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, ये दोनों हो सकता था, एक ही में हो सकता था, अलग अलग डायरेक्शन में हो, इसलिए डायरेक्शन पता नहीं है तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन है ऑड नंबर आउट 79, SAT OET RBT VBQ, ठीक। इसमें आपको वैल्यू देखना है 19 प्लस 1 प्लस 20, वैल्यू आ गई 40। इसी तरह 15 प्लस 5 प्लस 20, इसकी भी 40, 18 प्लस 2 प्लस 20, इसकी भी 40, यहाँ करोगे तो 22 प्लस 2 प्लस 17, तो ये हो जाएगी आपकी 41, ठीक। तो ये आपका सबकी 40 वैल्यू आ रही है सम करने पे, इसकी 41, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सीरीज पे, चलिए देखते हैं 180 4JG 9QL 16JO 25NM, अगली सीरीज पूछ रही है आपसे, ठीक। देखिए दो दो का लेके चलेंगे इसमें गैप, एक से चार, ठीक, 1 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर पड़ेगा, मतलब 36 तो आएगा ही आएगा पहले। उसके बाद देखते हैं A से Z, T से G, ये होता है एक पे, Z होता है 26 पे, दोनों का सम 27, ये 20 और ये 7, ये भी 27, मतलब दोनों का जो है अपोजिट पेयर चल रहा है। उसी तरह इन दोनों में देखते हैं Q से J, ये होता है 17 पे, ये होता है 10 पे, तो 10 और 17 27, ये भी हो गया, और L और 12 और 15 ये भी 27 हो गए, ठीक, इसका 27, वैसे ही इन दोनों का भी पेयर सम 27 देना चाहिए, तो क्या होगा, N का होता है आपका 14 पे या 13 पे, तो 14 में क्या ऐड करेंगे कि 17 हो जाएगा 13, तो 14 में 13 मतलब M, और M में N, तो ये हो जाएगा 36 MN। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन A होगा इसका सही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 81, कोडिंग डिकोडिंग, ललितपुर को कोड किया गया है TPUR,
आई एल ए एल, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि देखिए टी पी यू आर इसका ये वाला हाफ पोर्शन यहाँ लिख दिया गया है उठा के, और यहाँ का हाफ पोर्शन ऐसे लिख दिया गया है, ये जो हाफ पोर्शन है आपका आई के साथ स्टार्ट हुआ आई एल ए एल। तो उसी तरह आपसे कोड पूछ रहा है कि हरिद्वार का कोड क्या होगा। बस चार उठाइए, ये डी डब डी डब्ल्यू ए आर और यहाँ से आई आर ए एच, आपका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 82, आसान सा ये आपका हो गया होगा, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना था। 83 डायग्राम क्वेश्चन है, ये भी आसान सा था आपका। नेक्स्ट है 84, आपको बताना है इसमें ऑड वन आउट 374 385, अगर दिमाग नहीं गया तो आप नहीं कर पाओगे इसे 174, ठीक है। इसमें क्या है कि इन दोनों का जो पहला और लास्ट डिजिट है उनका सम बीच में लिखा हुआ है, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5 आना चाहिए मगर यहाँ 7 है, इसीलिए ऑड वन आउट यही होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 85, आसान था क्वेश्चन आपका, इसमें ऑड वन बताना था, नमक काली मिर्च मिर्च धनिया जीरा, इसमें नमक होगा आपका, बाकी सब मसाले हैं। नेक्स्ट आपका आते हैं डायग्राम 86, ये भी आसान था, ऑप्शन सी इसका होगा। 87 पे आते हैं, इसमें था हरमन के, ये ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान था इस, ये भी आपका हो गया होगा, इसमें आंसर आपका बी आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 88, इसमें पूछ रहा था कि एक शब्द दिया था ऑटोमोबाइल, उसमें बोल रहा है कि आपको पांचवें लिख दीजिए ऑटोमोबाइल, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बोला पहले लेटर, पांचवें लेटर, पांचवा कौन है इसमें, एम है, उसके बाद से पांचवें के बाद नौवां, नौवां है एल, और दसवां ई। इससे क्या आपका लेटर बन सकता है, एक तो बनेगा मेल, एक बनेगा लेम, मतलब दो बन गया। एक बनता तब तो उसका हम देख लेते कि उसमें बोला था अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर बताना था, मगर एक से ज्यादा बन जाए आपका आंसर क्या होगा, वाई होगा, तो आपका आंसर होगा वाई। तो आप कौन से ऑप्शन में है, ए में है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है 89, ये आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा हो गया होगा, और 90 भी आपका आसान था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, तो ये आपका हो गया टेस्ट 05 के फुल सॉल्यूशन। अब हम आपसे मिलेंगे टेस्ट 06 में, धन्यवाद।